लोकसभा चुनाव 2024 का फाइनल रिजल्ट आ गया है। इस बार भी किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिला है। 2014 और 2019 के चुनाव में कमाल का प्रदर्शन करने वाली बीजेपी इस बार 272 के आंकड़े तक को नहीं छू पाई। नरेंद्र मोदी वाराणसी लोकसभा सीट से लगातार तीसरी बार सांसद बने हैं, लेकिन इस बार उनकी जीत का अंतर काफी कम रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुकाबला एक बार फिर कांग्रेस के अजय राय से ही था, लेकिन इस बार उन्होंने मोदी की जीत का अंतर करीब 5 लाख वोटों पर ही समेट दिया। वाराणसी के नोटा में पड़े 8,478 वोटों के अलावा कुल 1,12,665 मत पड़े। इनमें से नरेंद्र मोदी को 6,12,970 वोट मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15,251 मतों के अंतर से जीत हासिल कर सके। उनके नज़दीकी प्रतिद्वंदी कांग्रेस के अजय राय 4,645 वोट हासिल करने में कामयाब रहे, तीसरे नंबर पर रहे। बसपा उम्मीदवार अथर जमाल उन्हें 33,764 वोट मिले। वहीं 2019 में पीएम मोदी को 6,74,664 वोट मिले थे। इसी सीट से सपा की शालिनी यादव को करीब 2 लाख और कांग्रेस के अजय राय को करीब 5 लाख वोट मिले थे। अन्य उम्मीदवार तकरीबन 35,000 वोटों पर सिमट गए थे। पिछली बार पीएम मोदी ने यहां 47,100 के अंतर से जीत दर्ज की थी, वहीं इस बार वह 1,52,000 वोटों से जीत सके। उनकी जीत के अंतर में 31,900 वोटों की कमी आई है। बात करें 2014 में नरेंद्र मोदी जब पहली बार वाराणसी से चुनाव लड़े थे और प्रधानमंत्री बने थे, तब उन्होंने आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल को 37,200 वोटों के अंतर से हराया था। हालांकि इस बार बीजेपी ने प्रधानमंत्री की जीत का मार्जिन बढ़ाने की काफी कोशिश की, लेकिन उनका प्लान फेल हो गया। भारतीय जनता पार्टी ने वाराणसी के रन में अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। इस महत्वपूर्ण लोकसभा सीट के लिए कई दिग्गज भाजपा नेताओं ने बार बार शहर का दौरा किया। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने भी पूरी चुनावी प्रक्रिया का संचालन किया था। वहीं पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी वाराणसी में लगातार आ जा रहे थे। महिला एवं बाल विकास के लिए कैबिनेट मंत्री स्मृति ईरानी भी शहर पहुंची थीं। चुनाव से पहले जब वाराणसी के लोगों का मूड जानने के लिए पहुंची, तभी साफ हो गया था कि इस बार पीएम मोदी की जीत का मार्जिन काफी कम होने वाला है। इस कड़ी में कोरो ग्राम पंचायत के प्रधान दिनेश पटेल ने इसके संकेत पहले से ही दिए थे।